नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। खबर छिंदवाड़ा से। मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दहाड़ते हुए मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार और खुद कमलनाथ पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे और सौंसर में पिछले दिनों शिवाजी की प्रतिमा को हटाए जाने की घटना को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पुराने रंग में नजर आए। उन्होंने सौंसर से लगभग 1 किलोमीटर तक पदयात्रा की, लोगों का अभिवादन स्वीकारा, उनसे मुलाकात की, चौराहे पर खड़े होकर चाय पी, कार्यकर्ता के घर जाकर खाना खाया और फिर सभा में सरकार और कमलनाथ पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार लगातार महापुरुषों का अपमान कर रही है। ये हमारा विश्वास है। मैं राकेश सिंह जी को अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद और विष्णुदत्त शर्मा जी को बहुत बधाई देता हूँ। अब उनके साथ मिलकर हम सब काम करेंगे। सर, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने बयान दिए विभाजन के राहुल गांधी को जन्म को देश के लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया वीडियो में जाए तो जाए सामने, बस दो। अब ये कांग्रेस की परंपरा है सिर्फ फुटव्वल। मुझे तो अजीब सा लगता है कांग्रेस का संस्कार स्वभाव। अब एक तो मुझे दिल्ली के नतीजों पर कांग्रेस बहुत प्रसन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। एक बार एक वरदान व्यक्ति को मिला था कि अगर मैं एक चीज को सामने वाला मांगे, एक व्यक्ति ने मांगा था, तो मुझे दो मिल जाए। तो जेलसी ऐसी थी कि उसको ये पता था कि मैं एक मांगूंगा इसे दो मिलेगा, तो उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए ताकि उसकी दोनों आंख फूट जाए। तो कांग्रेस तो अपनी एक आंख फोड़वा के मस्त है और अब ये सिर्फ फुटव्वल चल रही है। हम नहीं कह रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे हैं कि सड़कों पे उतर जाएंगे, वादे पूरे नहीं कर रहे। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि उतरे तो उतर जाए, हम भी निपट लेंगे। अब ये इनके निपटाने में जनता निपट रही है और मेरा प्रदेश निपट रहा है। मेरे प्रदेश पे तो रहम करो। संगठन का काम बढ़ा भी और लोकसभा के चुनाव में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। नए अध्यक्ष श्रीमान बीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा बहुत पुराने और अनुभवी कार्यकर्ता हैं। लगातार 20 सालों तक वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे हैं। संगठन का सुदीर्घ अनुभव उनके पास है। संगठन कला में वो माहिर हैं। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के नाते भी उन्होंने जो दायित्व पार्टी ने दिया उसका निर्वाह बहुत कुशलता, कर्मठता और परिश्रम पूर्वक किया है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश